यहाँ पर लिखा हुआ है प, आधा क, फिर क, इसे हम कैसे पढ़ेंगे? अब यहां पर लिखे हुए हैं जो कठिन कठिन शब्द होते हैं, जैसे यहां पर ये लिखा हुआ है ओ, आधा न और ह, एक ही मात्रा, अंक की मात्रा, इसे हम कैसे पढ़ेंगे? उन्हें। तो इसी के लिए आज की क्लास है। हाय दोस्तों, मैं सुखवीर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं है। आपको यह फायदा हो जाएगा, जब भी मैं आपकी अपनी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज की इस क्लास में हम सीखेंगे, बड़ी ही अच्छी कहानी है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाथी 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 और बकरा बकरा की कहानी। हाथी और बकरा की कहानी, बहुत ही अच्छी कहानी है। एक जंगल में एक हाथी और एक बकरा रहते थे। एक जंगल में एक हाथी और एक बकरा रहते थे। दोनों बहुत पक्के दोस्त थे। दोनों बहुत पक्के दोस्त थे। दोनों साथ में मिलकर हर दिन खाने की तलाश करते और साथ में ही खाते थे। दोनों साथ में मिलकर हर दिन खाने की तलाश करते और साथ में ही खाते थे। एक दिन दोनों खाने की तलाश में अपने जंगल से बहुत दूर निकल गए। एक दिन दोनों खाने की तलाश में अपने जंगल से बहुत दूर निकल गए। वहां उन्हें एक तालाब दिखाई दिया। उसी तालाब के किनारे एक बेर का पेड़ था। उसी तालाब के किनारे एक बेर का पेड़ था। बेर का पेड़ देखकर हाथी और बकरा बहुत खुश हुए। वह दोनों बेर के पेड़ के पास गए। फिर हाथी ने अपनी सूंड से बेर के पेड़ को जोर
जोर से हिलाया। और जमीन पर ढेर सारे पके हुए बेर गिरने लगे। बकरा जल्दी जल्दी गिरे हुए बेरों को इकट्ठा करने लगा, लेकिन उसी बेर के पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला भी था, जिसमें चिड़िया का एक बच्चा सो रहा था। और चिड़िया दाने की खोज में कहीं गई हुई थी। बेर का पेड़ जोर से हिलने के कारण चिड़िया का बच्चा घोंसले से बाहर तालाब में गिर पड़ा और डूबने लगा। चिड़िया के बच्चे को डूबता हुआ देखकर उसे बचाने के लिए बकरा तालाब में कूद गया, लेकिन बकरे को तैरना नहीं आता था। इस वजह से वह भी तालाब में डूबने लगा। बकरे को डूबता हुआ देखकर हाथी भी तालाब में कूद गया और उसने चिड़िया के बच्चे को बकरे दोनों को डूबने से बचा लिया। इतने में चिड़िया भी वहां पर आ गई थी और वहां अपने
बच्चे को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुई। उसने हाथी और बकरा को इसी तालाब और वेर के पेड़ के पास रहने के लिए कहा। तब से हाथी और बकरा भी चिड़िया के साथ उस बेर के पेड़ के नीचे रहने लगे। कुछ ही दिनों में चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया। चिड़िया अपने बच्चे के साथ जंगल में घूम कर आती थी और हाथी और बकरा को जंगल में किस पेड़ पर फल लगे हैं इसकी जानकारी देती थी। इस तरह हाथी बकरा और चिड़िया मजे में रहते और खाते पीते थे। अब इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? कहानी से सीख हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हमारी गलती से किसी को परेशानी होती है तो उस गलती को सुधारना चाहिए और मन मुटाव दूर करते हुए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यानी इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए। अगर गलती से भी किसी का बुरा हो जाता है तो हमें उसको सुधारना चाहिए और मनमुटाव नहीं मानना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए।